सामान, हमारे पास कोई सामान नहीं बचा। कलो और हथियार डालने वाले इलाकों में सामान ओलोफ और उसके आदमी ले गए हैं। सामान हासिल करने की जगह भी नहीं है मलून खातून। उन्होंने अपने मंसूबे बढ़ा दिए हैं। आखिर वो सामान के साथ करते क्या हैं? वो उन्हें छकड़ों में लाद कर ले जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं। जो वो तलवार से ना कर सके अब तिजारत से करना चाहते हैं। अगर हमें सामान नहीं मिला तो बुरा होगा वालिदा। अशियाए खुर्दनोश की कमी लोगों को बरहम कर देगी। यानी शहर में मौजूद सामान इस्तेमाल करेंगे। आग तैमूर, जाकर उन लोगों को सामान फराहम करो जो मुश्किल से गुजर रहे हैं। हम जाकर उनको सामान दे तो दे मलून खातून, लेकिन मुझे नहीं लगता कि काफी होगा। आखिर वो इस सारे सामान को कहां लेकर जा रहे हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक इसे कबाइल और किलों के करीब ही होना चाहिए। अगर ये मैदानी इलाके में होते तो वो जानते थे कि हम उन पर हमला करेंगे। यकीनन अलग जगह होगी, जैसा कि गारे। गारा जाएसार, कुलू जाएसार और बिलेजिक के करीब ही, यानी कलो के इर्द गिर्द बहुत सी गारें मौजूद हैं। लेकिन हमें ऐसी जगह तलाश करनी होगी कि अगर घात लगाएं तो दीगर सिपाही जल्द पहुंच सके वहां। ताशकई, बेतपे और यासिताश गारें इन कलों के रास्ते पर हैं। और इसके साथ वो नजरों में भी होंगे।